आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। नींबू के भाव ने पिछले कुछ समय से आम आदमी के छक्के छुड़ा रखे हैं, वहीं अब कीमतों में राहत मिलने लगी है। गर्मियों में नींबू पानी हर आदमी की एक आम जरूरत है, लेकिन आसमान की ऊंचाइयों को छूते दामों ने इसे आगे बढ़ा रखा था। वहीं शुरुआती दौर में नींबू की कीमत 400 रुपए प्रति किलो हो गई थी, हालांकि बाजार अब ठंडा होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ जानकार बताते हैं कि बारिश के फुहारे पड़ने से दामों में और अधिक राहत देखने को मिलेगी। मंडियों में नींबू से भरी गाड़ियां पहुंच रही हैं, यही वजह है कि नींबू के दाम 400 रुपए प्रति किलो से धड़ाम होकर 50 रुपए प्रति किलो पर आ चुके हैं। वहीं मंडियों में भी नींबू अच्छी मात्रा में पहुंच रहा है। गाजीपुर सब्जी मंडी के चेयरमैन ने जानकारी दी है कि रोजाना 4000 किलो नींबू मंडियों में आ रहा है। साथ ही आजादपुर मंडी में नींबू अच्छी मात्रा में आ रहा है, जिसके कारण इससे जुड़ी दूसरी मंडियों में नींबू की पहुंच बढ़ी है। थोक रेट में बड़े साइज का नींबू 100 रुपए प्रति किलो की कीमत पर बिक रहा है, वहीं मीडियम साइज के नींबू के दाम इस समय 50 से 70 रुपए प्रति किलो पर बने हुए हैं। नींबू की फसल को पानी की जरूरत होती है, यही वजह है कि बारिश की फुहारों के साथ दामों में राहत मिलने वाली है। इसी के साथ कर्नाटक के बीजापुर में बारिश की बूंदे दिल्ली की मंडियों में नींबू की आवक बढ़ाएगी, यानी ज्यादा मात्रा में नींबू मंडियों में पहुंचेगा, जिसका सीधा असर नींबू की कीमतों में देखने को मिलेगा। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।